आदि पुरुष की मेकर्स ने बदले विवादित डायलॉग्स। जलेगी तेरे बाप की को बदल कर किया जलेगी भी तेरे लंका, तू से तुम पर आए मेकर्स। अब फिल्म आदि पुरुष में आपको भगवान हनुमान के मुंह से जलेगी भी तेरे बाप की जैसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। मेकर्स ने फिल्म के वो संवाद बदल दिए हैं जिन्हें लेकर फिल्म रिलीज के बाद से ही विवाद हो रहे थे। सबसे विवादित डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की जगह हनुमान अब कहते दिखाई देंगे कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग तेरी लंका की तो जलेगी भी तेरी लंका ही। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार से फिल्म में ये बदलाव कर दिए गए हैं। इनके अलावा कुछ और संवादों को भी बदला गया है। हालांकि भाषा में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ शब्द बदले गए हैं। जैसे जहां हनुमान को तू कहकर बोला गया था वहां तुम कर दिया गया है। लंका लगा देंगे की जगह लंका में आग लगा देंगे कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह चेंज नजर आया है। कई ऐसे डायलॉग्स जिनमें पहले तू और तेरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था उन्हें भी बदलकर तुम और तुम्हारा कर दिया गया है। इससे पहले दर्शकों ने फिल्म के टपोरी डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मेकर्स ने इन्हें बदलने का वादा भी किया था। फिल्म में जो डायलॉग्स चेंज हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की को बदलकर कपड़ा तेरी लंका का तो जलेगी भी तेरी लंका। आगे जो बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे उसे बदलकर जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका में आग लगा देंगे। ऐसे ही मेरी एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया है और उसको बदलकर अब ये हो गया है मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को समाप्त कर दिया है। ऐसे ही एक और डायलॉग सामने आता है, तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी है कौन हूँ मैं, और इसे बदलकर तुम अंदर कैसे घुसे, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। इस बीच मंगलवार को इस फिल्म के कलेक्शन में और गिरावट दर्ज की गई है। पांचवें दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मात्र 20 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं मात्र 10 करोड़ रुपए ऑल इंडिया नेट कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म ने अब तक 395 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। प्रभास और कृति सैनन स्टार यह फिल्म रिलीज के बाद से ही विवादों में हैं। इसी के साथ देखते रहिए बॉलीवुड समाचार।